मम्मी ने कहा चल गेहूं धोने हैं आज, तो मैंने कहा इन दोनों को भी साथ ले लो। दिमाग खराब मत कर। ये क्या करेंगी यहाँ बैठी बैठी? अब ये कह रही थी कि मैं उठाकर ले जाऊंगी, पता था से नहीं होगा। तो लीना अपने बल का प्रदर्शन करने आई, लेकिन इसकी शक्ति भी जवाब दे गई। बस हवा निकल गई तो अब मैं ही करता हूँ। छत पे जाते ही धूप से बचने के लिए हम सब ने अपने अपने सुरक्षा कवच पहन लिए हैं। फिर मम्मी ने जल्दी से गेहूं धो दिए और हम तीनों ने गेहूं को सनबात लेने के लिए छत पर अच्छी तरह से फैला दिया। फिर दोपहर में अन्नदाता और शिखा सूजी का हलवा खाते हुए मुझे और लीना को चढ़ा रही हैं, क्योंकि हम खा नहीं सकते, हमारा सोमवार का व्रत है ना। तो मैंने कहा कोई नहीं, कुछ इंतजाम करता हूं हम दोनों के लिए। तो मैं बिपाशा पे सवार होकर कस्टर्ड पाउडर, अनार और अंगूर ले आया, और यहां लीना ने भी ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे हुए थे, और ये चालाक लड़की उन्हें खाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे चढ़ा लिया, हमें चढ़ा रही थी ना ये। फिर जल्दी से अंगूरों को धोकर और सभी फ्रूट्स को एक एक करके अच्छे से काट लिया और यह फिर आ गई, लेकिन मैंने फिर से भगा दिया, चढ़ा रही थी ना। फिर दूध में कस्टर्ड पाउडर घोल लिया, फिर इस घोल को खोलते हुए दूध बनाकर कस्टर्ड तैयार कर लिया, और फिर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स को कस्टर्ड में मिलाकर फ्रूट्स कस्टर्ड बना लिया। फिर ठंडा होने के बाद हम दोनों ने इन्हें चढ़ा चढ़ा कर खाया।